Co-powered by Techno. बिहार में ट्रैफिक चालान से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शहर में फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक धड़ल्ले से दौड़ रही है। घटना हाजीपुर की है, जहां चिकनौटा यूसुफपुर में घर पर खड़ी बाइक का ई चालान मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में कट गया। जब बाइक के मालिक को मोबाइल पर चालान कटने का मैसेज मिला तो वो हैरान रह गया। जब मैसेज में उसने बाइक की फोटो देखी तो उसकी हैरानी और बढ़ गई, क्योंकि उसकी बाइक का नंबर दूसरी बाइक पर भी इस्तेमाल किया जा रहा था। वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी बाइक मालिक सुजीत कुमार ने घटना की जानकारी ट्रैफिक डीएसपी को देते हुए आवेदन देकर जांच कराने की मांग की। बाइक मालिक सुजीत ने कहा कि वो कभी बाइक से मुजफ्फरपुर गए ही नहीं, जब भी मुजफ्फरपुर आना जाना हुआ तो ट्रेन या बस से ही आते जाते हैं। इसको लेकर सुजीत ने ट्रैफिक डीएसपी को लिखित शिकायत दी। सुजीत ने आगे बताया कि वो अपनी बाइक का इस्तेमाल हाजीपुर वैशाली में करते हैं। बाइक में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है, जबकि बीते अगस्त को मुजफ्फरपुर में उनकी बाइक का बिना हेलमेट ट्रिपल लोडिंग में चलने को लेकर ई चालान किया गया, जिसके लिए 1,000 का जुर्माना भी लगाया गया। चालान का मैसेज सुजीत के पास 17 सितंबर को आया, यानी सुजीत की बाइक पर जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है उसी नंबर की बाइक मुजफ्फरपुर में भी चलाई जा रही है, जिसका चालान काटा गया। चालान वाली लिंक पर डाली गई तस्वीर में साधारण नंबर प्लेट वाली बाइक दिख रही है। जिस गाड़ी का चालान काटा गया उसका और सुजीत की बाइक का नंबर एक ही होने से सुजीत को शक है कि चोरी की बाइक पर उनकी बाइक का नंबर लगाकर अपराधी घूम रहे हैं। सुजीत ने आशंका जताई कि फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक का आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकता है। घटना को लेकर ट्रैफिक डीएसपी नीलाभ कृष्ण ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है। उस नंबर प्लेट वाली बाइक के दोबारा दिखने पर संबंधित थाने को सूचना देकर उसे पकड़वाने के आदेश दे दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। Co-powered by Techno.